हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम से बहुत दिन हो चुके हैं, तो नंबर ऑफ पोस्ट 693 वाले स्टूडेंट हैं, उनके बोलना चाहता हूँ। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 तो 693 पोस्टों के ऊपर वैकेंसी निकल कर आए, उसकी आपके रिजल्ट के बारे में एक एक चीज को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी लेकर आ गया हूँ, क्योंकि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में और वैकेंसी इंक्रीज होने के चांसेस बन रहे हैं। किस तरीके से क्यों इंक्रीज होगी वो चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों चाहता हूँ कि आप भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, यदि आप भी चाहते हो या आपके माँ बाप की आपको भी खुशी के आंसू हो, तो दोस्तों बता दूं आपका भाई आपको वो खुशी के चीज दिलाने के तैयार है। अपने माँ बाप आपके माँ बाप को वो खुशी दिलाने के लिए तैयार है, बस आपको आपके भाई के साथ जुड़े रहना है। और आपको कठिन मेहनत, जिस तरीके से आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपको भी मेरे साथ मेहनत करना होगा। और दोस्तों जुड़ जाओ, क्योंकि ऑल इंडिया जॉब 0.2 एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो आपको छोटे से लेकर हर एक बड़ी भर्ती की अपडेट लाइव लाइव आपको देता रहता है, और टाइम टू टाइम आपको हर एक भर्ती की चीज की अपडेट देता रहता है। जैसा कि आप दोस्तों पता है, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, चाहे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, किसी भी भर्ती हो, सारी भर्तियों की अपडेट मैं देता रहता हूं। और मैं ये चीज और बता दूं दोस्तों, जिस भर्ती का एक बार वीडियो बना देना, उस भर्ती के अंत तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की, और ज्यादा देरी के लिए बगैर आपको सारी अपडेट देते हैं। रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या जा सकता है, सबसे कट ऑफ कौन से ट्रेड की जाएगी, सबसे ज्यादा कट ऑफ कौन से ट्रेड की जाएगी, पोस्ट और बढ़ सकती है क्या, अब आगे क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक होंगे, वो चीज मैं बताऊं। उससे पहले मैं बताऊं आपको जो मेन चीज है, पोस्ट बढ़ सकती है क्या। देखो 1522 पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसी निकल कर आई थी, लगभग आपके यहाँ पर एसएसबी की वो पूरी हो चुकी है। उस 1522 में से जो मेरे पास आंकड़ा आया, वो आपका 1150 के लगभग बंदू ने यहाँ पर ज्वाइन की है, बल्कि 400 प्लस पोस्टेज यहाँ पर खाली पड़ी है, यानी 300 कुछ पोस्टेज एवरेज ने मिले तो 400 पोस्टेज खाली पड़ी है। अब ये तो नहीं है कि एसएसबी बार बार रिक्रूटमेंट निकालेगा कि 2020 की वैकेंसी खाली रहेगी, तो ये तो है नहीं कि आपकी फिर से वैकेंसी 2024 में लेकर आएगा, ऐसा नहीं है। ना तो एसएसबी पागल है, ना रिक्रूटमेंट बोर्ड पागल है, ये चीज अपने दिमाग में रखो। आपकी ये वैकेंसियां इंक्रीज हो सकती है, इनमें आपकी ये 1000 प्लस वैकेंसीज हो सकती है। आपको ये चीज मेरे को अंदर से डाटा मिला, तब मैं आपको बता रहा हूँ, ये खूबे जानकारी मिल रही है कि आपको ये आपकी पोस्टेज है ना, वो यहाँ पर इंक्रीज होकर आपके सामने हो सकती है, और एक अच्छी खासी वैकेंसी आपके सामने बन सकती है। एवरेज मैंने तो दोस्तों 350 भी एवरेज ले, तो 3 और 2 और 5 14 असल वाली 1 और 36 और 1 10 1043 वैकेंसी, बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज हो जाएगी। और यदि 1043 होगी तो दोस्तों बता दूं आपके बदन पर वर्दी होगी, आप भी खाकी पहनोगे, आप मेरे दोस्तों चित कपड़ी ड्रेस पहनोगे। और जो दोस्त पहना जाता है ना दोस्तों, वो ऑल इंडिया जॉब 0.2 टेलीग्राम चैनल से जरूर जाओ, क्योंकि वहां पर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह हर एक चीज उपलब्ध रहती है। हमें दोस्तों जब तक फाइनल सिलेक्शन होके टर्निंग के 1 महीने की हमने सैलरी नहीं रखे, तब तक ये नहीं सोच रहा कि मैं नौकरी लग गया, ये चीज अपने दिमाग में, कुछ भी हो सकता है। जमाना इतना खराब है यार कि एक चीज तो भी आपको सगा भाई भी जॉब लग जाता है ना, तो उसकी भी दोस्तों वो सोच रहा है यार ये जॉब मिल जाए, मुझे मिल जाए, ये चीज आप ध्यान रखना। तो भाई भाई का नहीं रहा तो सोच सकते हो आप कोई कुछ आपका दूसरा, तो जो आपकी कंपिटिटर है, जो आपका कंपिटिशन आपके बराबर लड़ रहे हैं, वो आपका कैसे हो सकता है। कुछ भी कर सकते हैं बंदे, कुछ भी हो सकता है इस रिक्रूटमेंट में, कहीं भी कोई भी रिक्रूटमेंट आप ले लो, पर जब तक हमें ये नहीं मिल जाए कि हाँ अब टर्निंग में आ चुके, 1 महीने की सैलरी हमारी आ चुकी, तब आपकी नौकरी पक्की है, तब आपको कोई नहीं निकाल सकता, फिर देखो आपकी किस्मत यार। ठीक है, रिजल्ट की मैं बात करूँ, रिजल्ट का मेन देरी होने का कारण यही है कि यदि वैकेंसी रिजल्ट होगा और जल्दी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मैं बताऊंगा आपको रिजल्ट कब होगा। कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी यहाँ पर। देखो ओबीसी एससी एसटी सारे कैंडिडेट यदि 45 नंबर है आपके, तो आप अपने ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करो। ये मैं लिख कर लेता हूँ, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी आपका ओबीसी एससी एसटी से हो तो, और ईडब्ल्यूएस और जनरल से आप हो, तो आप 50 नंबर है तो आप अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी करो और डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करो। मैं गारंटी से आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर खड़ा मिलूंगा, जिस बंदे के जनरल और ईडब्ल्यूएस से 50 नंबर है, वो बंदा आराम से पेपर पास करेगा, और एससी एसटी और ओबीसी है वो बंदा 45 प्लस वाला आराम से पेपर पास करेगा। नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर होगा नहीं, ये दिमाग से निकाल देना। आपकी एक्यूरेसी में इतने नंबर है तो आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, ये कट ऑफ का मैंने बता दिया मैटर।
सबसे कम कट ऑफ कौन से ट्रेड की जाएगी? तो देखो दोस्तों बता दो, सबसे कम कट ऑफ आप जिनमें लगभग कारपेंटर हो गया, कोबलर हो गया, इनकी थोड़ी सी कम, फाइनल कट ऑफ की बात करो, इनकी कट ऑफ कम जाती है लगभग, ठीक है। बार्बर हो गया, सबसे ज्यादा कट ऑफ अभी कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वॉशरमैन हो गया, इनकी कट ऑफ भाई यहाँ रहती है ना, यहाँ जाती है, कम से कम 5 से 7 नंबर आपका अप होता है। कि 20 गुना कैंडिडेट्स है, 20 गुना बहुत ज्यादा होते हैं लगभग एवरेज ना। यदि ये 693 पोस्ट भी रहती है तो भी आप इसको देखो, 3 × 6 आपका 9 × 18, 6 × 12 और 13, 1860 कैंडिडेट। एक चीज अपने दिमाग में रखना, जो 1522 पोस्ट में जो वैकेंसी आई थी लगभग 30,000 कैंडिडेट पास कर रहे थे, पर एसएसबी को कैंडिडेट ही नहीं मिले, 18,000 कैंडिडेट ही मिले, 12,000 कैंडिडेट नहीं मिले। आप सोच सकते हो आप मेरे दोस्तों कितना आपका, कितने कट ऑफ जाने का चांसेस है। पर एवरेज 13,860 कैंडिडेट में बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक है ना, वो चीज भी अपने दिमाग में रखना मेरे दोस्तों। बात करते हैं मेरे दोस्तों पोस्ट बढ़ने के बताते हैं अब आगे क्या होगा। तो आपका सबसे पहले डीवी होगा, वो डीवी के बाद भी आपका ट्रेड टेस्ट होगा, वो सारा चीज वहीं पर होगा। सबसे पहले आपका डीवी होगा, डीवी में आपके पास 10वीं की मार्कशीट, आपने जो फॉर्म भरा हुआ फॉर्म, आपका एडमिट कार्ड सीबीटी वाला, इसके अलावा आपके पास फिजिकल वाला प्रोसेस, इसके अलावा आपके पास दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, इसके अलावा आपके पास जो आपने यहाँ पर मेरे दोस्तों फॉर्म भरते हुए जो प्रिंट निकाला हुआ फॉर्म का प्रिंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल और जीरोक्स में होने चाहिए। एसएसबी खुद इनका वेरिफिकेशन करती है और एसएसबी अपने ऐप के ऊपर अपलोड करती है इनको, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखना दोस्तों। अब आगे डॉक्यूमेंट्स में बता दें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक होगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे, बढ़िया तरीके से चेक किया जाते हैं। ये नहीं कि भाई आप कैसे हाँ या तुम पास हो, इससे कुछ नहीं होता, एसएसबी सारा बायोमेट्रिक करती है, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम रहता है, आप देख के चौक करने हो जाओगे क्योंकि आपकी भाई ने एसएसबी का डीवी करवा कराया है, वो भी आसनपुर कुंभ फोर्ट के अंदर, जो कि आपका बिहार के अंदर पड़ता है, आपका दरभंगा से लगभग लगभग 120 किलोमीटर पड़ता है, वहां पर मैंने ये किया है, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों। रिजल्ट की मैं बात करूं तो रिजल्ट आपका इसी महीने ये के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको आने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि इसके आपको बता दूं जुलाई के लगभग ज्वाइनिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट तो अभी आएगा, तभी तो आगे के प्रोसेस पूरे होंगे ना, बहुत जल्द इसके रिजल्ट आएंगे। और जहां तक मेरे पास सूचना यही है कि 1522 वाले जो ट्रेनिंग गए आपके रिक्रूट, उन बंदों के साथ ही आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है, ये चीज आप देख रहे। बाकी देखो आपका स्वास्थ्य कोई बच गया, रिजल्ट बता दिया, कट ऑफ बता दिया, सबसे कम हाईएस्ट पोस्ट, ये सब कुछ मैंने बता दिया। बाकी देखो जो भी कोई एसएसबी की तरफ से अपडेट आती है तो मैं बता दूंगा। आप इलेक्ट्रिशियन वाले जो कम्युनिकेशन वाले, वो कैंडिडेट भी ध्यान से सुन ले लो, आपका रिजल्ट भाई मैं बता दूं 22 से 23 तारीख बाद आपकी एग्जाम होने वाली, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी आप और लीडर जो न्यूज रिपोर्ट को सब्सक्राइब से वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिजर्व साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।